हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति एंड आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो है आलू बेसन कटलेट। ये बहुत ही इजीली बन जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे स्टोर करके बहुत सारे दिन के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल में 1 कप बेसन लिया है। ये फाइन वाला बेसन है फ्रेंड्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला, फिर मैं ऐड करूंगी इसमें हींग और जीरा, नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, नेक्स्ट मैं डालूंगी इसमें कोरिएंडर पाउडर। आप स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड्स, बट ये हमने बेसिक स्पाइसेस यूज किए हैं। नेक्स्ट इसमें मैंने चाट मसाला डाला है और अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट। इन सब को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। साथ में हम इसमें 1 टीस्पून कैरम सीड्स भी डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब इसमें हम डालेंगे वाटर धीरे धीरे ताकि कोई लम्स ना फॉर्म हो, और इसका एक हम बहुत ही फ्लोई बैटर फॉर्म करेंगे। ग्रेजुअली फ्रेंड्स हमें वाटर ऐड करना है ताकि कोई भी लम्स ना फॉर्म हो हमारे बेसन के बैटर में। तो ये देखिए, इसमें मैंने अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 कप वाटर डाला है और हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम कुक करेंगे। तो मैंने एक पैन में 2 टीस्पून ऑयल लिया है। ऑयल हीट हो जाएगा फ्रेंड्स तो जो बैटर हमने बनाया है वो इसमें हम ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल हीट हो गया है। इसमें मैंने थोड़ी सी कैरम सीड्स डाल दी हैं ताकि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से फ्लेवर्ड हो जाए। अब इसमें हम अपना बैटर डाल देंगे। इस बैटर को हमें मीडियम टू लो हीट पे पकाना है जब तक कि ये साइड्स को छोड़ मत दे। इसे हम कंटिन्यूसली हिलाते हुए पकाएंगे फ्रेंड्स, अदरवाइज बैटर में बहुत ही लम्स बन जाते हैं। मेक श्योर कि आप बैटर को हिलाते ही हुए कुक करें एंड आफ्टर 2-3 मिनट्स आप देखेंगे कि बैटर हमारा एकदम गाढ़ा हो गया है और इसने साइड्स को छोड़ दिया है। इसे हम 2 मिनट्स के लिए और कुक करेंगे और फिर इसमें हम अपने बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बॉइल्ड एंड ग्रेटेड पोटैटोज लिए हैं और साथ में इसमें हम ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर डाल देंगे जिन्हें हमने फाइनली चॉप कर लिया था। अब इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें एक अच्छा सा स्टिप डो फॉर्म करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इसी तरीके से स्पैचुला की मदद से मिला करके एक अच्छा सा डो फॉर्म कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें अपने हैंड्स का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है। आप चाहें तो आप किसी भी थाली में इसे सेट कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। अब अपना जो हमने डो बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, हमने सारा डो डाल दिया इसमें। अब हम इसको अच्छे से फैला लेंगे और एक थिन लेयर बना लेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। अब इसे हम 10 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि जो हमारा ये डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। आफ्टर 10 मिनट्स फ्रेंड्स आप देखेंगे हमारा डो बिल्कुल सेट हो चुका है। इसे मैंने थोड़ी सी ग्रीन कोरिएंडर से गार्निश कर दिया है, उसे भी मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया था इसमें। अब इसके हम पीसेस काट लेंगे। आप चाहें फ्रेंड्स तो आप इस डो को इसी तरीके से फ्रीजर में 10 डेज तक के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और अगर आपको तुरंत खाना है तो आप इसके पीसेस कट कर लीजिए। और अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली इसके पीसेस निकल आते हैं क्योंकि डो हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। हमने सारे पीसेस कट कर लिए इसके।
आप चाहे फ्रेंड्स तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या शैलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ही मिनिमम ऑयल में इसे टिक्की की तरह सेक भी सकते हैं। ये किसी भी केस में फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो हम इसे बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब ऑयल हीट होने के बाद हम इसे इसमें फ्राई करेंगे। हमें इसे लो मीडियम हीट पे फ्राई करना है फ्रेंड्स, ताकि अच्छे से बाहर से क्रिस्प हो जाए और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहे। इसे फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, ये 3 to 4 मिनट्स में दोनों साइड से कुक होके रेडी हो जाते हैं। तो आप इसे बीच बीच में फ्लिप करते रहिएगा, पर ध्यान दीजिएगा कि जब नीचे की लेयर अच्छे से कुक हो जाए और हल्की सी गोल्डन हो जाए तभी आप इसे फ्लिप करना स्टार्ट करें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब इसे एक एब्जॉर्बिंग पेपर पे हम निकाल लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कटलेट्स बहुत ही यमी लग रहे हैं और मैंने इसे शिजवान चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो आप इसे ग्रीन कोरिएंडर चटनी, मेयोनीज या किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।